नेशनलिस्ट या पेट्रियाटिक होने से क्या मुराद है, बातचीत होगी जनाब तारिक फतेह साहब से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, आप इन चीज़ों में बड़े माहिर हैं। हम देखते हैं कि यूक्रेन के झंडे हर दूसरी गाड़ी में टोरंटो में लहराए जा रहे हैं, कनाडा का झंडा हर जगह होता है, बड़ा अच्छा लगता है, यूएसए जब जाते हैं तो यूएसए का झंडा होता है, भारत की कोई तकरीब यहाँ पे होती है तो भारतीय झंडे होते हैं, पाकिस्तान के झंडे होते हैं। तो ये सर नेशनलिज्म कितनी अच्छी बात है, या जो पेट्रियाटिक होना है कितनी अच्छी बात है, या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, क्या इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं? नेगेटिव एस्पेक्ट तो है जब आप बढ़तरी दिखाएंगे किसी के ऊपर, और नेशनलिज्म का एक ओरिजिन जो है वो तो आपके विलेज से है, क्या हम कसूर से हैं या पंजाब से हैं या हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से, तो एक दिल लगी हो जाती, बड़ी ट्राइबल इंस्टिंक्ट है कि पूछते हैं पंजाबी पिछों कितों दे हो पिछों, तो बता दो लालपुर, अच्छा 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 लालपुर, ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके लोग, यू नो, या इफ यू मीट अ ब्लैक अफ्रीकन एंड यू फाइंड आउट के भाई वो बंदा नाइजीरिया का नहीं है, सोमालिया का लगता एक ही है, तो बट विद इन द अफ्रीकन कम्यूनिटी उन्होंने अपने अलग अलग तरीके ने कल्चर का है, मजहब का है, खान पीन की गल है, सो ऑल दोज थिंग्स मैटर which distinguish one from the other. वो कुरान दे अंदर भी एक जिक्र है कि we created you and tribes and nations so that you could recognize each other. मैं कोई मजहबी एंगल नहीं दे रहा, मैं दस रहा कि even 1400 years ago या Jewish किताबों के अंदर जिक्र है, या कबायली जेड़े मजहब सन या पुराने जड़े मोस्ट एंशियंट है हिंदुइज्म, और अंदर भी सनातन धर्म का जिक्र है, या बुद्धिज्म है, ये सारे आइडियाज जर्मिनेट करके रिलीजन एक प्रिमिटिव बेसिस से कौम बनाती सी। मुसलमान जो हैं हमारे वो दे आर नाउ लॉक्ड इनटू दैट थिंग के वी आर वन नेशन, तो वो उसका नतीजा हमने पाकिस्तान में देखा, हिंदुस्तान में देखा, टू नेशन थ्योरी का व्हाट अ क्राइसिस इट वाज कि वी मैनेज टू किल अ फ्यू मिलियन पीपल इन द नेम ऑफ टू नेशन, वो कई थ्री नेशन होता, फोर नेशन होता तो मार ही गए थे, सबके सब ने मर जाना था, बट क्या जमीन से ताल्लुक, क्या जबान से ताल्लुक है नेशन का, क्या नाचने से है, क्या एक ट्रेडिशनल फाइटिंग के अंदाज में, वो हमारे एक दोस्त थे अब इटली में सेटल डाउन हो गए, उन्होंने कहा कि जिस कौम के पास अपनी शनाख्त कुश्ती की ना हो, यानी एक फाइटिंग स्टाइल ना हो, वो नेशन नहीं होता। वो उनका बड़ा एक ही वॉज फ्रॉम द हज रिसर्च सेंटर इन सऊदी अरेबिया, एंड दिस इज व्हाट ही डिस्क्राइब कि पाकिस्तान इज नॉट अ नेशन बिकॉज इट हैज़ नो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग कुश्ती, यानी गुजरांवाला के पहलवान तो निकल आते हैं लेकिन गुजरांवाले शहर किसी को नहीं पता कि कहाँ है। सो देर आर मल्टीपल वेज ग्रुप ऑफ पीपल फिट देमसेल्व्स अराउंड अ ट्राइब। पोस्ट ट्राइबलिज्म में आपके जैसी ट्रेड शुरू हुई तो आप सोचिए कि वो एडमिरल जी जो थे चाइना के, ही ऑलमोस्ट रीच न्यूफाउंडलैंड, वो मुस्लिम भी था, फ्यूजन प्रोविंस का भी था, his identity was as a Chinese as well as a Muslim, you know, but kaun si idea ubhar ke aati hai samne, kai jagahon pe the language is dominant, arab apne aap ko pehle arab samajhta hai, musliman to nahi samajhta, wo kehta hai ki mazhab aaya hi arabon ke liye, tum kahan se aa gaye bewakoof log beech ke andar, persians ka aap dekhiye, अभी पिछले दिनों डाउनटाउन में बलोचों का मुजाहरा था तो मैंने देखा कि ईरानी कोई पाकिस्तानी बलोचों के साथ खड़े होने के लिए भी तैयार नहीं था, वो अपने आप को डारियस और पर्शियन उसमें समझते हैं एज अ नेशन, और विच आई डिस्कवर्ड के वो हमें क्या कहते हैं पाकिस्तानी को, सियाह, दे डिस्क्राइब अस एज इंफीरियर पीपल फ्रॉम द कोस्टल बेल्ट,
ये आप सोचिए नेशनलिज्म का अलग एंगल है कि वो जितना वो मजहबी स्टेट है उतना ज़्यादा उसके अंदर अगर आप वो मज़हब हटाएं तो नीचे से पर्शियन एम्पायर निकलता, इंसानियत का सिलसिला ही नहीं है। और जिसको मैं तय करने लग गया हूँ कि ये ईस्ट ऑफ ग्रीस जो है वो कुछ अल्लाह का ऐसा करम हुआ है कि वहाँ इंसानियत और यूनिवर्सैलिटी का की सोच आ ही नहीं सकती। तुर्की अर्मीनियंस को मार रहा है, अर्मीनियन जो है अज़रबैजानी को मार रहे हैं, ईरान जो है वो पाकिस्तान से जाते हुए कहता है कि यहाँ एक दफ़ा आपको याद हो भुट्टो साहब ने बाय लैंड हज शुरू किया था, ये 70s की अर्ली 70s की बात है, तो ईरानियों ने पाकिस्तानी हाजियों से कहा था कि बस से बाहर निकल के आप फारिग नहीं हो सकते, ये हमारी ज़मीन पाक है, आप बस के अंदर ही बैठ के जो करना कर लें। सो आफ्टर दैट ईयर द हज बाय रोड डिसअपीयर्ड। तो आप सोच सकते हैं कि किस किस ख्याल को लेके इंसान अपनी आइडेंटिटी को ऊपर से ऊपर तरीन पहुंचाता है, और जब नेशनलिज्म का सहारा लेता है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे सामने कि 6 मिलियन जूस को मार दिया, उसके अंदर जब उनको पता चला कि ये जो जिप्सीज हैं ये इंडिया से आए, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है इनकी भी लाइन लगाओ, एंड द मैसेकर ऑफ जिप्सीज टुक प्लेस। और आप बड़ी मजेदार चीज़ है, आपको इंडिया में किताबें हिटलर की मिल जाएंगी, खैर वो वाहिद मुल्क है जो बहुत प्रो इजराइल है और प्रो हिटलर है एट द सेम टाइम। बट लोगों को अपनी आइडेंटिटी में इतनी वीकनेस नज़र आती है कि वो सहारा लेते हैं किसी को कि मैं अब कहाँ कहूँ। तो आप देखिए जो हिंदुस्तान जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो तो यूपी और बिहार के साइड के लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को यूपी का नहीं कहा, उन्होंने अपने आप को दर्जा दे दिया महाजरों का, यानी वो अपना लेवल वहाँ ले गए जहाँ रसूलुल्लाह के साथी मक्का से मदीना गए थे, उस दर्जे पे ले गए कि हम हिजरत करके आए। जनाब आप लोग कराची में क्या बैठे हुए, गुजराती जबान और आपको तो पान खाने की तमीज़ नहीं है। तो वो शहर जो रोज़ धुलता था वहाँ 47 के अंदर जब महाजिर आ गए तो पानी पान हर जगह, हर दीवार हर चकोर पे नज़र आने लगा, लेकिन एक बहुत ही नेशनैलिटी थी कि हम महाजिर हैं, हम गलत कर ही नहीं सकते और हमारी जबान ए ग्रेड की है। आप ये ना समझें कि हमको उर्दूस्तान तो एक अलग ही चीज़ निकली ना, कि उन्होंने पंजाबियों को कन्विंस कर दिया कि तुम्हारी चूड़ों की जबान है, पंजाबी ने कहा अच्छा ऐसा है, तो उन्होंने कहा हम भी उर्दू बोलेंगे। तो अब देखिए वहाँ एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आता है, अगर एरोगेंस नज़र आती किसी की तो पंजाबी जो मुसलमान है उससे घटिया तो कोई अपने आप को समझता ही नहीं दुनिया में, बोलते मैं तो अपनी माँ बोली बोलूँगा ही नहीं, बल्कि माएँ बच्चों को पिटाई कर देती हैं कि तेन स्कूल भेजा जी के पंजाबी बोले, तू थर 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 जोर पड़ जाते थे, नहीं भाई कभी भी नहीं बोलूंगा, माँ ना माँ बोल सकती थी बच्चे को, बच्चा आगे माँ कुछ बोल सकता था। यही हाशर हमने पश्तूनों का किया कि पश्तो बोलने वाले को हम चौकीदार समझते थे, बलोची बोलने वाले को हम गधा गाड़ी चलाने वाला समझते थे, और भूख बंगाली उसको हम क्या कहते थे, भूखा बंगाली। देखिए नेशनैलिटीज और नेशंस का कंसेप्ट उनको करके इट बिकेम वेरी इजी फॉर वन ग्रुप ऑफ पीपल टू हेट द अदर। अब हिटलर एरियन रेस की कर रहे थे, उन्होंने सिंबल क्या लिया जो हिंदुस्तानी स्वास्तिका है, जो लफ्ज है संस्कृत का उसको अडॉप्ट करके उल्टा कर दिया, मिस्टेक कर दी, वही चल पड़ा, थर्ड राइक का निशान वो हो गया। यहाँ जो हिंदू बैठे थे उन्होंने कहा ये तो हमारा था भाई, कहाँ चला गया, उन्होंने कहा गया हिटलर ने ही आपका सामान, हिटलर को नहीं पता था कि आर्यन जो है वो इंडिया में रहते। तो सर देखिए बात ये है कि ये जो नेशंस की सोवरेनिटी होती है, कंट्रीज की सोवरेनिटी होती है, जो बॉर्डर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर जी उनको प्रोटेक्ट करने वाली मतलब आज के नए कॉन्सेप्ट में आर्मीज हैं,
और वो लोग, हज़ारों लोग अपनी जानें देते हैं। यूक्रेन में हम देख रहे हैं हज़ारों लोग जानें दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारी धरती पे कोई काबज़ नहीं हो सकता, हालांकि कल्चर बहुत एक सा है उनका। नहीं, लेकिन ये भी देखा कि स्पेनिश सिविल वॉर में पूरी दुनिया से लोग आए जिनका स्पेन से कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ कैनेडा में उसको कहते थे हम मैकेंजी पेपिनू ब्रिगेड कहते थे, हिंदुस्तान से लोग गए, मेरे ताया थे, ही फॉट ऑन द रिपब्लिकन साइड अगेंस्ट फ्रेंको, और इंटरनेशनल ब्रिगेड कहलाती थी, हाँ मैकपैक, मेरी तो लाइसेंस प्लेट थी गाड़ी की मैकपैक। मुझे हाईवे पे 401 पे ट्रकर ने रोका था, काफी हाउ डिड यू गेट दिस, मैंने कहा मेरा ताया जो था मैकेंजी पेपिनू ब्रिगेड का जिक्र किया था उन्होंने, ही वाज शॉक्ड, बोले यस देयर वर इंडियन सोल्जर्स, ब्रिटिश भी थे, सेनेगल के भी लोग थे। और वो इंटरनेशनलिज्म का दौर था कि जर्मन फैशिज्म या नाजीज्म या इटली की वो सुप्रा नेशनल जो थ्योरी, उसको गिराने के लिए इंटरनेशनल, और फ्रेंको के पास मोरक्कन फौजी थे सारे, वो जो स्पेनिश सॉवरेनिटी के नाम पे, सुपीरियरिटी के नाम पे मार रहे थे लोगों को, वो मोरक्को से लेके आया, भाई आ जा कराए पे, तू भी आ जा। ब्रिटेन ने हमारी फौजें यूज की सेकंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो एक नेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है थोड़ा। देखिए हिंदुस्तान हर कोई आया लूटने के लिए, दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था तभी आया है ना, कौन वास्को डी गामा बेचारा किश्ती में बैठ के निकल पड़े, बोले भैया ये हमको मसाले चाहिए, मिल नहीं रहे आजकल, धनिया नहीं मिल रहा, तो धनिया ढूंढने के लिए वो चले गए कमोरो आइलैंड। तो आप देखिए डच आए इंडिया, वो पोर्चुगीज आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, हर एक ने आके जैसे हिंदुस्तान को, फिर वेस्ट अफ्रीका में वो जो लाइबेरिया का कोस्ट है उस पे से, क्योंकि अफ्रीकन्स को ट्रेड करना होता था कि अरब से खरीद के फिर आगे गोरे को अमेरिका में बेचना होता था एज अ स्लेव, तो वो ट्रेड भी चली, लेकिन उसमें ब्लैक्स को ये नहीं पता होता था कि वो किस मुल्क से आए हैं और कहाँ आके पड़े। तो इसीलिए फिर जब लाइबेरिया बना मुल्क, बनाया कि वहाँ स्लेव्स को भेजा जाए, इसी उसका नाम लिबर्टी से लाइबेरिया रखा गया, दैट ऑल्सो फेल्ड। तो ये कॉन्सेप्ट कंट्री का जो है, इट इज एज अ फॉर अ कम्युनिटी कि भाई साथ रह लें। लेकिन आपने पाकिस्तान को देख तो सुना होगा, बांग्लादेश तो हमारे बचपने के अंदर 10 लाख लोगों को मार दिया मुसलमान ने, मुसलमान को, टू सेव अ मुस्लिम कंट्री, अंदाजा लगाइए। यानी ये कभी मैथमेटिकली किसी को एक्सप्लेन करें, अच्छा ये तो समझ में आया कि भाई हिंदू मुल्क मेजॉरिटी मुल्क में मुसलमान नहीं रह सकता, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क के अंदर एक माइनॉरिटी मुस्लिम की फौज जाके उनको मार के आ गई कि नहीं हमने तुम्हारी जात बदलनी, तुम काले बहुत हो, और कुछ 1-1.5 लाख औरत का रेप करके उन्हें प्रेग्नेंट करके आ गए इन द नेम ऑफ अ नेशन। कि ये और अब किसी के मुंह से नहीं निकलता कि ईस्ट पाकिस्तान हमें वापस दो, अब हमें कश्मीर चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस इज फॉल्स इन मेनी वेज ना। अफगानिस्तान को देखिए, वो अफगान तो वो पश्तून इलाका कहलाता था, अब उसमें ताजिक भी घुसा दिए आपने, उज़्बेक भी डले में तोड़ तोड़ के उनको अफगानिस्तान बना दिया, और फिर आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि वो उज़्बेक इलाका जो है वो उज़्बेकिस्तान का है या अफगानिस्तान का। और सबके सब नाम आप ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, सब संस्कृति नाम है, ये स्थान तो वर्ड ही संस्कृत का, हर कोई कह रहा है नहीं हमारा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, बस नाम हमारा हिंदुस्तानी है। सो इन अ वे ये जो सूडो नेशनलिज्म है इसमें आयरनी भी है और हमारी ज़हनी कमजोरियां भी इसमें नजर आती। कि जब ब्लड लेने जाते उस वक्त तो नहीं कहते कि भाई ये यहूदी का खून नहीं चाहिए हमें, उस वक्त डॉक्टर कह रहा होता A+ है तो दे दो भाई, यहाँ डोनेट कर दो, कहते कुछ भी हो जान बच जाए मेरी, बट सेहतमंद हो के फिर यहूदी को मारूंगा या हिंदू का कत्ल करूंगा, इस वक्त हिंदू का खून दे दो मुझे, लोड बहुत है। सो इन सम वेज व्हाट कुड बी
a symbol of community getting together, unfortunately also became the origin of everything that people can go wrong or do wrong, and unko ek dusre se sahara mil jaye. Ab wo Palestine mein bacche marte, maaye sweets baant rahi. I am sure wo jab darwaza band hota hoga to roti hongi, lekin bahar sabke samne dikhana hai ki mera beta jo hai wo Palestine ki jang e azadi mein mar gaya. Kaun maa khajoor baantti hai apne bacche ke marne pe? Karna padta hai, nationality ki baat hai. आज अगर इतने हटधर्मी नहीं होती तो फलस्तीन भी आजाद मुल्क होता, इसराइल भी होता. 48 के अंदर, जैसे 47 में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो सब मुसलमानों ने कहा ठीक है. जब यहूदियों ने कहा कि पार्टीशन करा दो, समझ जाओ जरूसलम तुम्हारा हो गया सब, उन्होंने कहा नहीं. 14 मुल्कों ने हमला कर दिया, सबके सब हार गए. इसराइल बन गया, सब पिट गए. वही लोग जो कह रहे थे कि हिंदुस्तान को पार्टीशन करो, वो कह रहे नहीं, ब्रिटिश पैलेस्टाइन का पार्टीशन नियम होने देंगे. क्यों? ये तो सब हमारा, यहूदी कहां से आ गए? जबकि कुरान में लिखा हुआ है बाय द वे कि हमने सबसे अच्छी जमीन यहूदियों के उनको दी. तलमूद में नहीं लिखा हुआ, हमारी किताब में लिखा हुआ जी, चूजन नेशन कहा. आज तक बताइए फलस्तीनी रेफ्यूजी कैंप्स में क्यों बैठे? क्योंकि एक पंजाबी में वो वर्ड है ना, हटधर्मी, और कह देता हूं खत्म. टर्टी लेके रहेंगे अपनी नेशनलिज्म, ये यानी अपनी जान कुर्बान है धरती के लिए. ये बड़ा अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट है. ये कैसा है भैया, जब पता है कि तुम्हें जब गेहूं नहीं मिल रहा, तो यूक्रेन कह रहे यूक्रेन में लड़ाई बंद करो, हमें सोमालिया में गेहूं नहीं मिल रहा. और तो खुदा दे वास्ते, कांट डोंट यू अंडरस्टैंड that your life is dependent on each other, whether he is white or black or Asian or African. Har koi keh raha hai yaar ladai rok do, kyunki hamara pet, jaise pet bhar jayega ke acha phir lad lo. Yani jo aapne sir kaha ki khoon bhi chahiye mushkil waqt mein apni jaan bachane ke liye, aur khoon leke phir khoon bahana hai, bahana hai. Acha ye Ukraine ki baat jaise aap side mein aa gayi, ye lafz Rus jo hai ye Ukrainian word hai. वो यूक्रेनियन ये भूल गए कि असली रूस पूरी रशियन सिविलाइजेशन कीव्स की निकली हुई है. ये रूस वहां तुम हो जी, स्लाविक नेशन है. अब वो तुम बहुत हो रूसी, बाद में उसको तो कह रहे हैं दीज आर एशियन होर्ड्स. रूस वाज यू. द वर्ड रूस जो है, हम जिसे उर्दू में भी रूस कहते हैं जी, ओरिजिनली वर्ड रूसी है. रूसी है, कीव का है रूस. उस पे बताइए पूरी दुनिया में खप मची भी मारपीट, अमेरिका के मिसाइल बिक रहे हैं, मर रहे हैं यूक्रेनियन और रशियन. वो सर देखिए ना, उधर भी व्लादिमीर प्रेसिडेंट है, उधर भी व्लादिमीर प्रेसिडेंट है. ये मेरे ख्याल दुनिया की बेस्ट लड़ाई है जिसमें आमने सामने वो क्या बीच व्लादिमीर है. वो कह रहे हैं मैं वेस्ट का हूँ और तुम एशिया के, यूरेशिया के. इमेजिन सर, अब देखिए बेवकूफ बनना भी एक है. रूस का जो रशिया है उसका एक ही डिमांड था कि नेटो की कंट्री हमारे बॉर्डर पे नहीं होगी. अमेरिका ने कहा ना, ये यूक्रेन तो नेटो में ही होगा. जिन पे सैंक्शन लगाई रूस, उनके मजे आ गए, बाकी यूरोप मर रहा. किसी को खाने को नहीं, पीने को नहीं, गर्मी के लिए तेल नहीं है. इंडिया रशियन तेल लेता है, उनके पास रिफाइनरीज हैं, वो उसको प्योरीफाई करके वेस्ट को बेच रही. मजे आ गए इंडिया के. लेकिन सर एक और मसला भी आपने पीछे बात की, इंटरनेशनलाइजेशन. हाँ, अब इंटरनेशनलाइजेशन बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं. अब ये है कि ये भी एक दुनिया में फिक्र हो रही है कि जापान ये कह रहा है कि इंटरनेशनलाइजेशन में मेरा कल्चर तो फारग. अच्छा, हाँ, इसी इंटरनेशनलाइजेशन में फ्रेंकली वेस्टर्न वर्ल्ड का कल्चर फारग हो रहा है. हाँ, वो खुद ही उसको फारिग कर रहे हैं. तो ये सर जो ये तो क्या डायलेमा है? वो पैसे के चक्कर में जब नदीदा हो जाता है एक कम्युनिटी या वो, तो वो कहती 9/11 को कौन ऑब्जर्व करे यार, वहां से तेल आ रहा है. अब उनको मजा आया जब मोहम्मद बिन सलमान आ गया, उन्होंने कहा कितों आया? उसने कहा तेल की प्रोडक्शन बढ़ाओ. उसने कहा गेट आउट ऑफ हियर.
वो पूरे सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज कर रहा है। ईरान में देखें, अच्छा खासा मॉडर्नाइज कंट्री कूड़े करकट में डाल दिया, सबके ऊपर हिजाब ऐसे पहनाए मौलवी। अब वहां बच्चे छोटे छोटे आयतुल्लाओं की पगड़ियों को फेंकने का उन्होंने स्पोर्ट बनाया, पीछे से जाओ और पगड़ी पे हाथ मारो, पगड़ी खुल जाती और उसको फिर गार्बेज बिन में डाल देते। आपको किसने कहा ये यूनिफॉर्म का इस्लाम बना दो? हजारों तरीके के मुख्तलिफ मुसलमान दुनिया में हर जगह रहते हैं। अल्बेनिया वाला अलग है, चीन वाला अलग है, बिल्कुल बात ही नहीं कर सकते आपस में। इन्होंने कहा नहीं है कि जैसा होना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान। ये सबसे ज्यादा फिक्र वैसे पाकिस्तानियों को, क्योंकि इनकी ना नेशनैलिटी है, ये दरियाए सिंध पे रहते हैं, कहता है साडा कोई ताल्लुक नहीं, रावी जाए मर जाए कितने भी। यू आर एन आर्टिफिशियल कंट्री कट आउट ऑफ हिंदुस्तान एंड यू आर टीचिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या ऐसे चलता है मुल्क? ये देखो इमरान खान चला रहा है। ओ माई गॉड, जो फेलियर हो गया, टूट गया मुल्क, वो कहता है कि हम हैं एग्जाम्पल, सारी दुनिया हमें फॉलो कर। जहां मस्जिद में जी टोरंटो में मस्जिदों में पाकिस्तानियों की मेंबरशिप बैन हुई भी कई जगह। अच्छा, ये नहीं मुझे पता था बैन होने का। सबसे बड़ा इलाका मुसलमानों का टोरंटो में है, वहां 2-4 मस्जिदें हैं, उन्होंने क्वालिटी का मेंबरशिप पाकिस्तानी को नहीं देनी, जितनी नमाजें पढ़नी पढ़ ले, जहां पाकिस्तानी आया मेंबरशिप किया वहां झगड़ा फसाद शुरू। तो सर ये जो सर अब उम्मा का मसला है हमारे यहाँ, देखिए ना, जैसे आपने कहा कि मुसलमान 200 बैकग्राउंड के हैं मिनिमम, ठीक है ना, फिर पाकिस्तानी अच्छा, फिर वो कहाँ से उनका पेट्रियोटिक बन सकता है, क्योंकि मैं भी मुसलमान हूँ, पंजाबी हूँ, ठीक है ना सर। लेकिन आप, मैं पंजाबी में तो बात नहीं कर रहे ना। राइट राइट राइट, ओके, हमारी तो हमने तो खुद पाबंदी लगाई पंजाबी, बिल्कुल लगाई। मेरी बात सुनिए, जब आप का कोई ना हो, जबान ना हो, खाना ना हो, आप पुराने शहर लाहौर को ना याद कर, आपको यही नहीं पता कि लव और कुछ कौन है, आपको यही नहीं पता कि आपका जो सबसे बड़ा शहर है वो सीता के बेटे के नाम का रखा हुआ, उन्हें कहा सानू की होंदा दफा करो इनू है, आप बैठे हुए लाहौर में और कसूर के अंदर पंजाबी नहीं बोल रहे, आप सीख रहे उर्दू और बुरी उर्दू, ये जितनी बुरी उर्दू पंजाबी बोलता है ना कोई बोल ही नहीं सकता, ऐसे लगता है हिज्जे कर रहा, पता नहीं क्या कर रहा, दे लुक इलिटरेट इवन वेन दे आर PhDs बिकॉज दे स्पीकिंग समबडी एल्सेस लैंग्वेज और एक्टिंग कर रहे हैं। कहा हमने उर्दू की बड़ी खिदमत की, ये पंजाबियों ने, ये लखनऊ वालों को क्या पता, बताओ कश्मीरी मुसलमान है वो निकाह नामा करते हैं फारसी में, तलाक लेनी होती ट्रांसलेशन करना होता ईरानियन एम्बेसी जाते हैं, जैसे फारसी में लिखा हुआ निकाह नामा तो पाक साफ होता है, कहीं उन्होंने हिंदी स्क्रिप्ट में लिख दिया तो तोबा तोबा तोबा, ये कोई इस्लाम है? इस्लाम तो सीधे हाथ से जब तक ना लिखा जाए तो सारी दुनिया लेफ्ट से लिखती, हम राइट से लिखते हैं। अब भी अकल नहीं आई कि सीधे हाथ से लिख रहे, तभी गाड़ी रिवर्स में चल रही है। मैं सोमालिया, मलेशिया, टर्की सब ने करेक्ट कर लिया अपनी अल्फाबेट, जहां हमारी अपनी अल्फाबेट थी हमने कहा खत्म करो, गुरुमुखी सीखेंगे ही नहीं हम, अपनी जबान की वो सत्यानाश इसको निकाल दिया, ठीक है ना, पूरे पंजाब में गुरुमुखी नहीं पढ़ाई जाए। इतने खुश हैं पंजाबी मुसलमान, बेचारे पश्तून जो हैं वो कहते हैं हम बड़े होके पंजाबी बनेंगे, उनकी जबान ड्यूरिन लाइन से काट दी, तुझी तो सर लड़ते रहो ना चौकीदार बन के। सिंधी नेशनलिस्ट है उसे कहते हैं ये मुल्क दुश्मन है, वो बलोच जो लड़ रहे हैं अपनी आजादी के लिए, जो इंडिपेंडेंट कंट्री पे हमला करके कब्जा किया, उनको कहते हैं मुल्क दुश्मन है। अरे उनका तो मुल्क आजाद था, वो मुल्क दुश्मन कैसे हो गए? बांग्लादेश जो पाकिस्तान का एक्चुअल नाम था, जहां एक सूबे में सिर्फ मुस्लिम लीग जीती थी बंगाल, उनको कह दिया वो मुल्क दुश्मन है, जहां मुस्लिम लीग जीती नहीं पंजाब में वो पाकिस्तान का झंडा लेके खड़े हो गए, फ्रंटियर में कांग्रेस जीती थी। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मिसगाइडेड नेशनलिज्म कैन प्रोड्यूस रेंडस नेचर्स, बट इफ यू आर एन इंटरनेशनलिस्ट, जैसे यूएन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में एलेनर रूजवेल्ट का कुछ था, कुछ हमारी एक कैनेडियन भी थी जिसका टेक्स्ट लिखने में था,
पूरी दुनिया के हर मुल्क ने साइन किया, वो यूनिवर्सल यूएन डेक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स सबने साइन किया, मुसलमान कंट्रीज में से कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारा मजहब कहता है कि औरत तुमसे आधे दिमाग की, टेक वन टेक टू टेक थ्री टेक फोर एंड व्हाट योर राइट हैंड पोजेसेस। इसको इसका तर्जुमा भी आप करेंगे, आपका प्रोग्राम पे आके दंगा हो जाएगा, यहां लोग आ जाएंगे जुलूस लेके, आप कह रहे हैं कि जितनी लौंडियां आप जमा कर सकते हैं आप पे जायज है। तो ये हम इसको लेके चलेंगे, उमय्यदों वाला इस्लाम, कि इमाम हुसैन की गर्दन काट के फिर वो जो चर्च था उस पर कब्जा करके बोला ये उमय्यद मॉस्क है, वहां पोप जाके कहता यस ये मस्जिद है, ये हमारा चर्च कभी भी नहीं था, उन्हें कह देना पंगा ना ले हो पागल लोग, पता नहीं कब उठ। अब बताइए वो हाजी सोफिया ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का 1000 साल से वो था एस्टैब्लिश कैपिटल था, उस पर कब्जा करके मस्जिद बनाया, अतातुर्क ने उनको वापस दिया, ये एर्दोगान है इन्होंने फिर से कब्जा कर लिया कि वो मस्जिद है। तो सर ये जो इंटरनेशनलाइजेशन है इसका मतलब ये है कि ये अब ट्राइबल वैल्यूज पे चल रहा है। देयर इज नो अदर वैल्यू ना, ईरानी कभी अपने आप को पाकिस्तानी के साथ तो नहीं जोड़ेगा, उम्मा खत्म। वो तो हमने टोरंटो में भी मैंने देख लिया कि वो घटिया तरीके से वो पाकिस्तानियों को देखते हैं, वो सियाह कहते हैं। हाँ सियाह बताइए, टर्क कोई आपके साथ, आपने कभी देखा कोई टर्क आया हो किसी मुस्लिम डेमोन्स्ट्रेशन में? वो कहता 600 साल हमने अरबों पे हुकूमत की है, दीज आर कॉलोनीज, ये कहां से आ गए? 600 ईयर्स की कॉलोनियल रूल है टर्की की ओवर अरेबिया, जेरूसलम में आज तक कभी कैपिटल नहीं आया मुसलमानों का, मक्का में नेवर, मदीना नो, कहां चाहिए उन्हें? दरिया होना चाहिए साथ में, दमिश्क या बगदाद या दिल्ली, यानी इधर पानी हो, नाचना हो, घूमना हो, पतंग भी उड़ा रहे हैं, बीवियां भी दो दो सौ। वाजिद अली खान की 200 बीवियां थी, जब अंग्रेज ने निकाला दिल्ली से तो कलकत्ता गई, घोड़ा गाड़ियों पे बैठ बैठ के जा रही हैं औरतें, भाई तू कौन है? मैं मिसिस 292 हूँ। अच्छा तू कौन है? मिसिस 344। 400 बीवियां लेके आदमी जा रहा, भाई घास खा गया तू? व्हाट माइंड मेक्स यू हैव 400 वाइव्स? और कोई आज तक क्रिटिसाइज करने वाला नहीं, अब भी कह रहे हैं हाँ साहब इंडिया पाकिस्तान में बेहतरी है, इंडिया के मुसलमान, मुझे एक मौलवी साहब कहते हैं सब गांव की तो होती है ना एक बीवी, आपके भी गांव में एक होगी? मैंने पागल हो गया, किधर की गांव की बीवी, नरकिस आ गया जूते मारेगी सब ठीक हो जाए, वो सरप्राइज तो आपकी गांव की बीवी नहीं है। मैंने नहीं भैया गांव की बीवी कहां, क्यों मतलब मैं क्यों रखूंगा दो बीवियां, क्या चक्कर है, दिमाग खराब हो गया? बोला एक होता है ना गांव में, आप जा रहे हैं तो वापिस जा रहे हैं तो बीवी एक होनी चाहिए, ये आपके दियोबंद के बड़े हुए मौलवी, अरे इससे मुसलमान डर जाए, पाकिस्तानी हिंदू को तो छोड़ दें आप, वो तो वैसे ही डरा बैठा हुआ है और हमारा मुल्क लेके भाग गई है। बट आप देखिए कि जहां पे भी ट्विस्ट आएगा, अब वो हिंदुत्व हिंदुत्व लगे रहते हैं पाकिस्तानी सारे, आप वो उसको पढ़िए अगर सावरकर को, वो तो एथियस्ट था, उसका बुनियादी कन्वेंशन ये था कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो होता ही हिंदू है, तभी तो हिंदुस्तान कहलाता, मजहब का नाम तो हमने कहा ना कि ये हिंदू है, वरना तो मजहब उनका धर्म है वो तो सनातन धर्म है। हिंदू इज द आइडेंटिटी गिवन फ्रॉम द रिवर इंडस, जिसको फारसी में प्रोनाउंस नहीं करके हिंदू से हिंदू और हिंदू से इंडस और इंडस से इंडिया, आजकल आप इंडिया में जाएं लोग समझते नहीं, गंगा नहीं साहब, गंगा जमुना तहजीब की बात, और अबे तेरे बाप ने रखा था इंडिया का नाम इंडस से, ये एक है, पाकिस्तान में बहता है इंडिया, इंडस रिवर वहां नहीं बहता कहीं ब्रह्मपुत्र के पास ना, बट दे डोंट नो, उनको डी नेशनलाइज किया हुआ है, नेहरू जी ने उनसे कहा तुम हिंदी हिंदू कुछ नहीं हो, तुम जीरो हो, तुम बस मुसलमानों को एजुकेशन मिनिस्टर बनाओ ताकि तुम्हारी तारीख बदल दे। तो वो अबुल कलाम आजाद ने पूरी 8th सेंचुरी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से निकाल दी,
वो इसलिए कि राजा दाहिर का जिक्र ना हो जाए कहीं। तो मुसलमान इंडियन उर्दू में छाप रहा है, वो पुरानी दिल्ली में मोहम्मद बिन कासिम आए थे, घोड़े के ऊपर चढ़ के आते हैं, सब मारा हिंदुओं का, सब मारा है जनाब, चने चबवा दिए। हिंदू वहां बैठा हुआ, उसको पता ही नहीं कि मुसलमान पढ़ के आ रहा है। देयर इज नथिंग इन ऑल ऑफ इंडिया अबाउट राजा दाहिर। द फर्स्ट इंडियन महाराजा हु फॉट अगेंस्ट द अरब इन्वेजन, वो हिंदू था। तो नेहरू जी ने कहा यार ये कैसे हो सकता है, ये तो फिर हमारा हीरो तो मुसलमान होना चाहिए। एक अब देखिए उसमें देयर वाज एन एंटी इंडियननेस इन नेहरू, कि किसी तरह मुझसे कहा ना कि मुझे पता नहीं कि मैं गोरा हूं कि काला हूं या हिंदू हूं या मुसलमान हूं, और एडवीना के साथ हंसे जफियां पापा के ना हद से हंस रहा है कि एक्चुअली आई एम ऑल्सो ब्रिटिश। खुदा दे वास्ते हो कुछ सेटल डाउन हो जाओ, हैव रिस्पेक्ट फॉर योर मदर्स एंड योर एंसेस्टर्स। मैं तो खुल के कहता हूँ, हम 1800s में भी वो राजपूत कसूर में आए तो किसी ने मुसलमान कर दिया हमें, तभी तो शेख कहलाते हैं हम। यू वुड नो मैं भी शेख हूँ, आप भी शेख हैं, हम खत्री हैं बेसिकली सर। हाँ, तो वो जो हिंदू मुसलमान होता था उसको टाइटल दिया जाता था शेख। हमने कहा जी शेख बरादरी, चुप करके आराम से बैठ जा अपने पर्दे। इसमें गलती क्या है कि अगर कोई कन्वर्ट होके कहीं और रिलीजन में होता है, उसमें दुश्मनी क्यों आप करते हैं आप अपने एंसेस्टर्स की? राइट अच्छा सर, एक और मैं बिल्कुल डिफरेंट एंगल ले रहा हूँ आज की बातचीत में। मैं जब मैंने लिखना शुरू किया, और पाकिस्तान में उस वक्त प्रोग्रेसिव लोग होते थे, वो ये कहते थे कि भाई एक राइटर और एक जर्नलिस्ट असल में नेशनलिस्ट या पेट्रियाटिक हो ही नहीं सकता, अगर वो होगा तो वो अपने काम के साथ ऑनेस्ट नहीं है। लेकिन आज ये कॉन्सेप्ट नहीं है सर। हाँ, क्योंकि वो देखिए एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी जिसे हम बचपने में सुनते थे, तरक्की पसंद मुसन्निफीन हिंदुस्तान। थोड़ी उसमें उर्दू सुप्रीमेसी भी थी, लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे भी थे जो कहते थे कि एक लिखने वाले का काम सुख चैन की तरफ अवाम को ले जाना है, भड़काऊ देने वाला, क्योंकि वो सब प्रोडक्ट थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की। उन्होंने देखा था कि इश्तियाल अंगेज लिखाई से क्या होता है। हमारे जो पेरेंट्स का जमाना था उसने पार्टीशन भी देखा कि बताइए 10 लाख आदमी मर गए, कोई बेलचा पार्टी दिए चला जा रहा है, यूनिफॉर्म पहने में लाल कुर्ती अलग थे, खाकसार अलग थे, मार मार के एक दूसरे को। पंजाब में जहां लाहौर शहर तो है ही हिंदुओं का शहर है ना, उसकी मॉडर्न डे भी गंगाराम हॉस्पिटल ले लें आप, सड़कों के नाम ले लें, शिमला पहाड़ी है, ये सब है। ने तो उसको ऐसा बनाया कि वहां को पंजाबी नहीं बोलना चाहता। पुराने शहर लाहौर में मैं एज ए वेरी यंग बॉय, मैं खरब 4-5 साल का होऊंगा, मुझे वो थड़े पे खड़ा कर देते थे मेरे नाना और कहते थे उर्दू सुनाओ इनको। मैं कराची में क्योंकि रहता था, तो पीपल वुड लुक एट मी, ओए शेखरी तो अड्डा लड़ ओ है उर्दू बोलता, नोबडी स्पोक उर्दू इन लाहौर, ऑनेस्ट टू गॉड। उर्दू बोलने वाले को कहते हैं पता नहीं कितों आ गए, आपके यहाँ ये होगा तो फिर बाहर निकला होता है उर्दू से गल करने वाली, इनको पीड़ हो गई है, नहीं मातमारी की कह रहे हैं, आपके यहाँ दाल होगी भूंग की, बोले दबाओ जा यार जा। बट नेशनलिज्म में ये भी था कि हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, पुलिस फोर्स, सुएज सिस्टम, कलेक्टिव पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज भी आई, कस्टम्स हुआ, फौज हुई, हर एक को अपना अपना काम दिया गया प्रोटेक्शन का। ये नहीं हुआ कि लो जी जंग फिर आ गया, फिर आ गया कोई तैमूर ते सारे चलो फौज। मोस्टली ऑर्गेनाइज पेड आर्मीज का कंस्ट्रक्ट नहीं था बिफोर द नेशन स्टेट। और यूरोप, ये सारा कंसेप्ट यूरोपियन सिविलाइजेशन का है, इसमें कोई शर्मा के कहने की बात ही नहीं है कि ये है या नहीं है। उन्होंने हमसे सीखा, हमने उनसे सीखा। हमारे यहाँ ट्रेड और कॉमर्स तबाह अगर हुई तो हमारी अपनी गलतियों से भी हुई कि हिंदुस्तान ने जितनी इन्वेजन्स होने दिए उनको एक्सेप्ट कर लिया कि धंधा करते जाओ यार, ये तैमूर है खुद ही मर जाएगा।
तो वो तो औरंगजेब तक कोई मरा ही नहीं, बैठे गर्दनें काट काट के काट काट के। कितनी यूनिवर्सिटियां जलाई हमने। नालंदा में खिलजी ने कहा कि इतनी किताबों की क्या जरूरत है, मेरे पास एक किताब है काफी है। 3 लाख किताब जला दी। और वहां जो वो थे मॉन्क्स या जो बुद्धिस्ट थे, दे रैन, और वहां के फ्लो से जापान में बुद्धिज्म आया। जापान में आज तक बड़ा प्रो इंडियन माहौल होता है बिकॉज दे रिकग्नाइज देयर पास्ट। थाईलैंड में आप जाइए, ये सब जहां बुद्धिज्म फैला है, ये मॉन्क्स निकले हैं जो हिंदुस्तान से भागे हैं खिलजी साहब की प्रेजेंटेशन की वजह से। चाइना का, ये तिब्बत का एरिया, ये सब आप टेक्सला भी जला दिया आपने, नालंदा भी जला दिया। जिसके हाथ में किताब निकली उसको गर्दन से काट दिया कि ये तुम्हारे पास तो कुरान होना चाहिए, बस खत्म। और फिर दियोबंद बना दिया, बरेल भी बना दिया, अहमदियों को मार दिया, शियों को मार रहे हैं। यानी आप इंडिया का सिर्फ ये सोचिए कि मिस्र से भागे हुए शिया, उनको पनाह मिलती है कहां? इंडिया में। ये दाऊदी बोरा हो या दलाई लामा हो, आप सोचिए कि वो सब के सब इस धरती में आके हिंदुस्तान में, दलाई लामा भी वही है और दाऊदी बोरा, दाऊदी बोरा सारे इजिप्शियंस हैं, दे आर नॉट अरब्स, दे आर नॉट लाइक इंडियन मुस्लिम्स, इसीलिए उनकी शादियां भी नहीं होती आपस में, दे ओनली मैरी विद इन द कम्युनिटी बिकॉज दे वर एक्सपेल्ड। सलाउद्दीन अयूबी ने निकाला था उन्हें और इंडिया ने कहा आ जाओ भैया यहाँ तो सब कोई। तो हमें किससे दुश्मनी है? हिंदुस्तान से। तो कि ये उम्मत जो है हमारी, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इमाम हुसैन के गर्दन भी हम काटेंगे? और अभी तो यमन में 5 लाख मुसलमान मारे ना मुसलमानों ने, सीरिया में भी, यानी 10 लाख अब तक पिछले 10 साल में मारे मुसलमानों ने मुसलमानों को। कोई वहां हिंदू नहीं है, किसी हिंदू ने नहीं मारा, किसी को यहूदी ने नहीं मारा सीरिया में। ये कुर्दिस्तान पे कब्जा है टर्की का, तो वो मुसलमान नहीं है क्या? ये मोरक्को ने कब्जा किया हुआ है वेस्टर्न सहारा पे 1974 से, किसी मुसलमान के मुंह से निकल जाए कि सहारा की आजादी, जो पोलिसारियो फ्रंट जहां लड़ रही है कि आजादी दो, नो, वहां नेशन खत्म हो जाता है हमारा। वहां हम कहते हैं कि मोरक्को के बादशाह जो है ना, उनकी तो आले मोहम्मद से है। आप जैसे, आप तारिक साहब आप जानते नहीं है, जॉर्डन का बादशाह, वो भी प्रॉफिट के फॉलोअर में से, और जिसको देखो वो कुरैशी दिल्ली में गोश्त काट रहा होता है, वो भी प्रॉफिट की कबीले से आ जाता है। कोई सैयद होता है, कोई जैदी, कोई नकवी, सबने दुकान लगाई भी है। और फिर कह देते उम्मा, तो हमारे जैसे लोग जो कसूर के शेख हैं, हम तो कूड़ा करकट में आ गए ना। अच्छा सर, जो मैंने अभी बात की उस पे मैं जरा आपकी राय बहुत प्रिसाइज रहना चाहता हूँ। सॉरी अगर मैं इधर उधर हट जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, आप बातें बिल्कुल बड़ी रेलेवेंट कर रहे हैं, लेकिन जरा मैं उस पे भी जोर देना चाह रहा हूँ कि एक राइटर और जर्नलिस्ट को कितना पेट्रियाटिक होना चाहिए, क्या वो फिर अपने काम के साथ इंसाफ कर पाएगा? मुश्किल है। ही हैज टू बी टू अ सर्टेन डिग्री न्यूट्रल। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी न्यूट्रल। एक जंग हो रही है, आप क्या करें, आपको 2-4 कौमी नगमे तो लिखने ही पड़ेंगे। जोशमली आबादी ने भी लिख दी है, फैज साहब ने तो अल्लाह की भी तारीफ कर दी है, जाते जाते कही। तो थोड़ा बहुत तो होता है, कुछ प्रेशर्स भी होते हैं। आपने देखा होगा मुशायरों में भी लोग कहते हैं सर वो सुनाइए, आपका उस वक्त एक मूड ऑफ हुआ हुआ होता है कि ये जी नहीं चाह रहा मेरा, सुना देते हैं लोग। बट दूसरे की फरमाइश पे आप कुछ कर लें तो समझ में आती है। अपने आप पे जिम्मेदारी लेके ऐसी कंट्रीब्यूशन करना जिससे हालात खराब हों, दैट इज लाइक बिट्रेइंग योर प्रोफेशन। एक लेखक को ये सोचना चाहिए कि उसके काम से पढ़ने वाले को फायदा होगा या नुकसान होगा। आप लिखते हैं कॉलम, आप शायरी भी थोड़ी बहुत करते हैं, अगर उसमें थोड़ा ये सर की हड्डी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता तो फिर बेकार है। कव्वाली हम सब ज्वाइन कर लेते हैं, तालियां बजाते रहेंगे, होते ना एक लिखने वाला, कव्वाल गाने वाला, बाकी सारे तालियां बजाते, तो मेजॉरिटी तो ताली बजा रही होती है।
और फिर कुछ आंटियां वाह भी कर रही होती हैं उसके ऊपर, वाह क्या बात की, कितनी अच्छी बात की, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सारा टब्बर साथ जाता है। लेकिन लिखने वाले की जिम्मेदारी थोड़ी होती है, जो मुझे ऐसे लगता है कि इस्लामिक दुनिया में खासतौर पर जो मेड इन पाकिस्तान इस्लाम आया है, इसमें उसको जिम्मेदारी से हटा दिया गया कि किताब तो एक ही है, आप क्या लिख लेंगे, इससे बेहतर लिखेंगे। ये कितनी अजब की बात है कि अरब के लिए तो ये नॉर्मल है कि वो पैदा होते के साथ ही अरबी बोल रहा है, उसके लिए तो कुरान हदीस ये सब उसकी जबान में। आप एक बताइए मुझे, चाइना के अंदर वीगर मुस्लिम है, उससे आप कह रहे हैं कि हिफ्ज कुरान बन जाती भाई, अगर वो हिफ्ज कर भी लेगा तो अमल में क्या फर्क आ जाएगा उसका। सबसे ज्यादा चाइल्ड अब्यूज हमारे मदरसों में होगा। तो लिखने वाले को वो लिख भी नहीं सकता। आप ऐसी बात अगर लिखेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि मदरसों में ये हो रहा है, तो आपको अपनी जान बचानी पड़ जाएगी, कि करने वाला भी एकदम उसको इंसल्ट हो जाएगा। वो फ्रांस की मैगजीन्स में जैसे वो एक टीचर का भी गर्दन काटी जब लड़की ने कंप्लेन किया कि इसने देखो कौन सी मैगजीन के कार्टून दिखवा दिए, ही वाज किल्ड। जब आपके यहाँ मोरालिटी या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इतनी कम हुई है कि आपका नारा हो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, जस्ट इमेजिन व्हाट आर यू सेइंग, यानी द वर्स्ट क्राइम इसमें पूरी दुनिया यूनिवर्सली एक्सेप्ट करती कि कत्ल जो है दैट इज द वर्स्ट क्राइम, उसकी सजाए मौत। उस पर बहस चलती रहती कि लाइफ इंप्रिजनमेंट हो ये वो, आप तो उसको ऑनर दे रहे हैं, ये सरतन से जुदा नारा कैसे लग सकता है, और उस मुल्क में लगा रहे हैं जहां आपको पनाह मिली है, जहां आपको कोई घास नहीं डालता था कहीं पे, तो आप चले गए इंडिया कि भाई हम मुसलमान हैं, हमको यार आने दो, जगह खत्म हो रही है, वो अरेबिया से निकाल दिया हमें, पहले से आके सब मलाबार में बैठे। अब उसी मलाबार केरला के अंदर से 32,000 लड़कियों को आईसिस में भर्ती किया गया, कल परसों की खबर है, 32,000 बच्चियों को आईसिस में भर्ती करके जिहादियों की बीवियां बना दिया गया, फिर उनको बेच दिया गया यजीदी लड़कियों के साथ, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। तो वी आर राइटर्स जो हमारे लिखने वाले हैं, दे आर ईदर ब्लाइंड और दे आर कावर्ड, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं मिले लोग जो अपनी लिखाई की वजह से मरने मरने के लिए तैयार हों, कि वो आए और कहें ये तो मैं लिखूंगा, ये मैं कहूंगा। लिखना भी क्या है, आजकल तो मैं समझ रहा हूँ कि इन द नेक्स्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स वी विल बिकम टोटली ऑडिबल सोसाइटी, हम वी विल रिटर्न कि जहाँ किताब पढ़ने की वो क्या है, आपको हर चीज़ सुनाई दे रही है, ऑल्दो उसमें नुकसान बहुत बड़ा है कि रिटेंशन कम हो जाती है। ये मार्शल मैक्लुहन जो हमारे कैनेडियन फिलासफर हैं मीडियम एंड द मैसेज में, उन्होंने इस पर किया कि जो मीडियम होता है दैट इज द प्राइम बेसिस ऑफ के मैसेज क्या है, यानी टीवी देखते हुए आप बात कर सकते हैं आपस में, फिल्म देखते हुए सिनेमा हॉल में आप बात करके देखिए, पांच लोग पीछे चपत ना लगा दें आपको खामोश होना पड़ेगा, फिल्म तो वही है, लेकिन द मैसेज इज द मीडियम इज सच कि यू कैन नॉट टॉक इन फ्रंट ऑफ इन सिनेमा हाउस, बट एट होम पांच आदमी लगे होते हैं, यार नमक कम पड़ गया है, सालन खराब है, रोटियां कहाँ है, और टीवी पे चल रही फिल्म, कोई एतराज नहीं करता। सर एक और मसला मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ, आपकी राय भी लेना चाहता हूँ। एक सोमाली राइटर जो सोमालिया से अलशबाब बोको हराम जैसी तंजीमों से भाग के आए, और वो कहने लगे, मुझे एक दिन मिले, कहने लगे कि यार मैं तो कनाडा में आया था कि ये एक ख़ास कल्चर की रियासत है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करती है, कहते हैं लेकिन अब इंटरनेशनलाइजेशन की वजह से अब वहाँ के जो मेरे पोटेंशियल कातिल हैं वो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कहने का यहां मुझे जो हाँ, वो कहने का मुझे अब हिजरत करने का क्या फायदा हुआ, वो मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे। कहने के वो हिजरत का फायदा तो ये था कि ये जो आज की मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं वो उनकी बाउंड्री की वजह से मैं एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह आया तो मैं बच जाऊंगा।
कहने लगे अब ये इंटरनेशनलाइजेशन जिसकी मुझे कहने लगा कि ताहिर तुम तारीफ कर रहे हो, इसका ये भी तो कॉन्सिक्वेंस है ना। यू आर राइट। अब उसमें एक फैक्टर है, हाउ टू से इट पोलाइटली मुझे नहीं पता, बट इट इज वाइट गिल्ट। अब आप देखिएगा लेफ्ट का जो वो है या लिबरल जो जिससे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो खुली सोच की बात हो, तो वहां तो वो एनडीपी का लीडर जगमीत सिंह इलेक्ट करते हैं, और वो भी उसकी ऐसी पगड़ी से जिसमें वो अपने आप को फुल्ली डिक्लेयर कर रहा है कि आई एम अ वॉरियर सिख। तो ये तो सिवाय वाइट गिल्ट के और कुछ नहीं हो सकता ना, कि लोग आगे पीछे। एक मैं एनडीपी में 1988 से आई एम अ मेंबर, मैंने देखा ही नहीं कभी इनको। मैं तो इलेक्शन भी लड़ चुका हूं 95 में एनडीपी के टिकट से, बाद में भी एक्टिव रहा हूं। आई नेवर सॉ दिस मैन, सडनली आई फाइंड ही इज द लीडर। क्यों? आपने 1% 1 वोट करा दिया, बड़ा डेमोक्रेटिक लगता। हमारे यहाँ तरीका था कि हर कंस्टिट्यूएंसी से डेलीगेट जाते थे, तो कंट्री की अगर 350 राइडिंग एसोसिएशन हैं तो सबके डेलीगेट डिस्ट्रीब्यूट होते थे, और वहां से फिर चली हमारी वन मैन वन वोट या 1% 1 वोट वाला मुहिम, जिसको अल्ट्रा राइट बड़ा समझता है डेमोक्रेटिक है। उसका नतीजा आ गया, आप 2 मंदिरों में जाइए, 60-70 हजार मेंबर साइन करिए, यू आर द लीडर, खत्म हो गई वहां सारा। यानी आप बताइए, टॉमी डगलस वगलस सब कुछ खत्म हो, हाँ के अब जगमीत सिंह ओनली रोल इज टू प्रॉप अप मिस्टर ट्रूडो एज द प्राइम मिनिस्टर। वो शख्स अगर कहीं प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ही इज नॉट अलाउड टू गो टू इंडिया, और वो भी आप देखिए, ही कैन प्रेजेंट हिमसेल्फ एज हैविंग वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट। उसकी बैठने की कुर्सी इतने की है, प्राइवेट स्कूल में जाता था ये। यानी हमने जो इंस्टीट्यूशंस थे वेस्ट के, चेक्स एंड बैलेंसेस, वो तोड़ने में हमारा पूरा अमल है। इस वक्त आपके ब्रिटेन में बड़े लोग एक टांग पे भंगड़ा डाल के नाच रहे हैं कि वो सोनू वो आ गया, क्या नाम है जी, ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक आ गया भैया, ऋषि सुनाक के साथ होम सेक्रेटरी जो आई है, जो हिंदुस्तानियों से नफरत करती है, जिसने जाने से पहले लिज से झगड़ा किया था, शी इज फ्रॉम मॉरिशस, उसके वर्ड्स हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ द ब्रिटिश डोमिनियंस ऑफ द क्या, शी यूज्ड द वर्ड कि पूरा कॉलोनियल एम्पायर से मुझे बड़ा फखर। मुझे बताइए, ये अंकल टॉम पैदा किए हमने, के वहां जीतने के बाद भी वो पहले ढूंढते हैं कि अब साढ़े अपने कितने ने अनंत, तो फायर करके मारो ना। यानी सर दो बातें हैं, एक अच्छा एक और मैं बताऊं। जी जी, दूसरा डिफरेंस ये है कि हमारे वाले जो जाए मुसलमान जो है पाकिस्तानी, वो कभी वहां इलेक्ट हो जाए वो वहां के नहीं होंगे, वो ग्लासगो के एमपी हैं, वो पंजाब के गवर्नर जाके लग गए। लॉर्ड वो जो नजीर थे वो यहाँ बैठे रहते थे टोरंटो में, कश्मीर कॉन्फ्रेंस करते रहते, कश्मीर कॉन्फ्रेंस करा रहे। और तू हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर है ब्रिटेन में, तू टोरंटो में आके कश्मीर कॉन्फ्रेंस कर रहा, एक सख्त राइट विंग किस्म के आदमी के साथ बैठा हुआ, ईरान की जो हुकूमत है उसकी वाह कर रहे तू, यार खुदा दे वास्ते। यानी वेस्ट इज सो ब्लाइंड अबाउट दीज थिंग्स कि उन्होंने कहा ओके, सो वी नीड 2% कार्डमम इन दिस, खाना पका रहे ना, ओके 1 टीस्पून फुल ऑफ ग्रीन लीव्स, ओके ओके हनी डिनर इज रेडी। वो हनी डिनर इज रेडी के अंदर उन्होंने कहा ये तो इस्लाम पक गया। अच्छा, और ठीक है, वी हैव इस्लाम फॉर टुडे, टुमारो वी हैव हिंदुइज्म। कुछ आइडिया नहीं का उसका एजेंडा क्या है। हिंदू ने तो कभी, इंडिया ने 10,000 साल में किसी मुल्क का इन्वेजन नहीं किया। वो तो कहते धंधा जब तक चल रहा है, एमबीए चल रहा है, हम ठीक हैं, ये खालिस्तानी हम वरना पिटाई कर देंगे। यू हैव सीन दिस, 10 खालिस्तानी और कोई 500 हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी भाग जाते हैं गाड़ियों के शीशे बंद करके। यानी सर अब दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, आपने अभी बरतानिया की होम सेक्रेटरी का जिक्र किया जो जाहिर है वाइट नहीं है,
मगर वो अपनी ही नस्ल के लोगों को कह रही है कि जरा इनका तो मैं मुकुट ठपूं। हाँ, अच्छा वी आर फेसिंग एन इन्वेजन उसने अच्छा कहा। दूसरी तरफ जगमीत सिंह की मिसाल है यहाँ पे, हाँ वो ये कहते हैं कि मैं अपने ही ट्राइब को आगे फरोग दूं। यस, ठीक है, यानी दो मुतजाद चीजें, दो बिल्कुल बट अपोजिट चीजें चल रही है इस इंटरनेशनलाइजेशन में। यस, बट फर्क है ना इंग्लैंड में और यहाँ पे। इंग्लैंड में तो किश्तियां चली आ रही हैं, डर 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 भर भर के पाकिस्तानी अफगान, उनको ये अभी तक नहीं पता चला आ कौन रहा है यहाँ पे। अगर वहां से कांगो से लोग आ रहे हो तो मुझे कोई फिक्र की बात नहीं है। ये तो आते के साथ ही पहले सिजदा करते हैं, झंडा लगाते हैं, या अल्लाह। यहां तो इमरान खान को गोली लगती है तो कहते हैं अल्लाह मियाँ ने इंटरवीन करके वो गोली रोक दी हड्डी के पास। यहाँ आके अल्लाह मियाँ ने कहा रुक जा, हम रुक गई, या अल्लाह मेरी दूसरी जिंदगी शुरू होगी। यानी आप अंदाजा लगाइए कि वेयर इज आर स्टार्टिंग पॉइंट एंड दुनिया कहाँ है। ये डायरेक्टली हर चौथा लफ्ज इनका अल्लाह से होता है। इनफैक्ट गोली चलने पे अल्लाहू अल्लाहू हो रहा था, वो जो गाना बज रहा था ना वो अल्लाहू अल्लाहू था। नरगिस ने कहा अल्लाहू इंग्लिश में कह रहे थे वो, अल्लाहू तुम्हें नहीं कह रहे। बट एवरीथिंग वी डू इज रिलेटेड समहाउ टू गॉड। हमारे यहाँ कभी किसी ने नहीं कहा कि अल्लाह मियाँ जाके सोमालिया में बारिश तो करा दे यार प्लीज, सारी बारिश पाकिस्तान में पड़नी थी। कोई नहीं, कुछ नहीं, बस अल्लाह हमारा है, हमारा काम करेगा, हम जादूगरी करेंगे, आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक देंगे, अल्लाह सेव कर देगा। ये अलार्म लगाने की क्या जरूरत है घर में। सर इस मौजू पे हम बातचीत करते रहेंगे, आखिर में हाँ, ये मैं डेंजरस क्या है इसमें, ये आप दोनों मैं नहीं दोनों नहीं डेंजरस नहीं है, ये बड़ी क्या बड़ी इनलाइटनिंग बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन आखिर में जो क्वेश्चन, मैं किसी की बिलीव सिस्टम का नहीं किया, मैं कह रहा हूं ये किस लिए दिया। देखिए आपकी खोपड़ी के ऊपर लकड़ी के जैसा ऊपर वाले ने नारियल लगा के फिट किया कि इसको बचाओ, कोनी टूट जाए, लाट टूट जाए, ये जो है ना टूटे। मुसलमान कहता है कि हम ऐसा कैसे है, इसको तोड़ेंगे पहले, बैल की तरह लड़ाएंगे, वो पहले ही टूट जाता है। वैसे ही बेवकूफ, पढ़ने लिखने के काबिल नहीं है, वरना इन्हीं मुसलमानों में के अंदर से ही इब्ने खलदून निकला है, ये इन्हीं ने इब्ने रुश्द को पढ़ा है। जी एथियस्ट भी पैदा हुए हैं, मुतजल्ली भी पैदा हुए हैं मुसलमानों में। ये हमारी किस्मत खराब है, गलत टाइम पे पैदा हो गए कि सिर्फ डफर ही पैदा हो रहे जा रहे हैं। जिस शख्स को ये नहीं पता कि मस्जिद में जूते नहीं पहनते, उसने पाकिस्तान बना दिया। तो सर आखिर में आज की बातचीत में मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे हम कनाडा में कनाडा का झंडा लहरा रहे हैं, हमारा नेशनल झंडा है, हमारा उसमें प्राइड है, लेकिन अब यहाँ पे दुनिया भर की कौमें आ गई हैं, वो सब अपने अपने झंडे चला रही हैं, एक तरफ कनाडा का झंडा होता है, एक तरफ यूक्रेन का या कोई और झंडा होता है, तो अब ये जो नेशनलिज्म है ये क्या है? ये जब इसका नुकसान होगा इट विल बी टू लेट बाय देन। देखिए ये जो व्हाइट गिल्ट है ना, इट्स अ टेरेबल थिंग टू लूज। जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है उसको बड़ा सुकून मिलता है ये अजीब अजीब झंडे देख के, खालिस्तान और अलकायदा और टीपू सुल्तान का कुछ, इनको बड़ा अच्छा लगता है। और सच वी लिव इन सच ए नाइस सिटी, इनको पता ही नहीं कि ये जो है ये मस्जिद में जाके दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह मुसलमानों को कौम और काफरीन पे फतह नसीब करे। ओह दैट इज सो प्रिटी, आई वाज देयर दैट डे, इट वाज एब्सोल्युटली डिलाइटफुल। आपका कंजर्वेटिव लीडर है वो भी उसी मस्जिद में पढ़ता है नमाज, आपका प्राइम मिनिस्टर है वो भी बैठा हुआ होता है वहां, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो डिजाइनर कपड़े लोकेशन की ना होती है, जैसे कि सेटिंग करनी है, सभी सेटिंग ठीक कर लो बस। आजकल तो मैं ये टीवी पे मैंने देखा, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आप पीछे ये जैसे मेरी किताबें यहाँ पढ़ी है ना, इनकी जरूरत नहीं है, आप पीछे बैकग्राउंड डाल दीजिए, उनमें किताबें लगी हुई होती है, आपको 2 मिनट में पढ़ा लिखा कर दे। तो हम झूठ में पल रहे हैं और ये गोरों को पता ही नहीं कि इनके साथ हो क्या रहा है। क्यों घर में बच्चा माँ कहती डोंट बिहेव लाइक अ कैनेडियन, ये डायलॉग जब बच्चा सुनता है यानी 6-7 ईयर ओल्ड, अभी स्कूल जाने वाला युवा है, और माँ उसकी कह रही है डोंट बिहेव लाइक अ कैनेडियन,
क्या क्या नहीं, ये अकलमंद लोग हैं बेटा, इन्होंने इंसुलिन इजाद की है, ये इन्होंने दुनिया भर में अमन पीस फोर्स किया है, यूएन बनाया है, सब कुछ लिखा, इनके जैसे नहीं होना, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े तैमूर गुजरे ना वैसे माशाल्लाह एकदम। तो वी आर नॉट येट कम्युनिटी। भी आप देखिए, आप 100 पाकिस्तानी ले आइए एक जगह, सारे इमरान खान के वो होंगे, यार खान साहब ने तो कमाल ही कर दिया, खुद पता नहीं वो इतने झूठ पकड़े जा रहे हैं उसके, उसका तो CNN के ऊपर वो जो इंटरव्यू थी, शी स्ट्रिप्ड हिम, ही हैड नथिंग टू आंसर, बट पाकिस्तानीज आर इंप्रेस्ड। आपको याद होगा जब यहाँ आए थे और जहाज में प्रॉब्लम हो गया था और कुछ उसके बाद आया नहीं कोई लीडर हमारे मुल्क से यहाँ, तो हमारे पास सबको पता है कि कैसे वो सारे लोग उतारे गए थे अमेरिकन इमिग्रेशन की वजह से, एयरपोर्ट पे उतरे। मैं वो बातें नहीं कहूंगा जिससे आपके प्रोग्राम प्रॉब्लम हो, लेकिन व्हेन वी नो द ट्रूथ व्हाई आरंट वी एक्सेप्टिंग इट कि सम पीपल आर डिसऑनेस्ट एंड सम पीपल आर। ये जो इस वक्त शरीफ हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, ये कोई फैंसी टाइप का आदमी नहीं, इसकी रेपुटेशन है कि ही विल गेट थिंग्स डन। ये ज्यादा वो सेक्सी वैक्सी भी नहीं है, अचकन शेरवानी भी नहीं पहनता, ये काम करता भाई जैसा वो भी नहीं है। आई थिंक he will do a good job, let him do it. फौज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही बचाइए इंटेलिजेंस, तो वी आर इन प्रिटी बैड शेप एज मुस्लिम्स। क्यों कि प्योर इस्लाम का ठेका सिर्फ पाकिस्तानी लेता, नो ईरान, नो टर्की, नो बड़ी बांग्लादेशी इंडोनेशियन सेज के वी आर द फ्रंट स्टॉर्म ट्रूपर्स ऑफ इस्लाम। ये हमारे नसीब में, हमने इसके अलावा कुछ इजाद ही नहीं किया। बहुत शुक्रिया सर, ये बातचीत ऐसी है जो हम करते रहेंगे और इसी से मुतलका बातें भी हम करते रहेंगे। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। वेलकम सर। व्यूज बातचीत सुन रहे थे तारिक फतेह साहब की। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में हम जो लॉन्ग लास्टिंग किस्म के मौजूआत हैं उन पे बातचीत ज़्यादा करें, ताकि आप हमें हमेशा सुनते रहें। आज की बातचीत मेरे साथ और तारिक फतेह जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.